बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम 12.9, 12.10 और 12.11। अब 12.9 का पढ़ें। ए प्रोटॉन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी। कैलकुलेट द potential difference between the two points, work done by the field, change in potential energy of proton, change in kinetic energy of proton and its velocity। पांच चीजें हमने find out करनी है। अब हमारे पास field जो है वो कितनी है, 5000 newton per coulomb। difference कितना है 10 centimeters, को हमने meter में convert कर लिया, वो 0.1 meter आ गया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ kg है। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। अब हमारे पास इज कितना है, 5000 है, इसको 0. डी कितना है, 0.1 है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 500 V। और हमारे पास ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कि कितना है, -500 V। अगला हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना, वर्क डन। हमें पता है वर्क वोल्टेज क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हमने क्या वर्क डन फाइंड आउट करना, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 500 V। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 V इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास चार्ज है और ये हमारे पास वोल्ट है। चार्ज इंटू वोल्ट किसके कुल होता है, कुल जौल के। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 5 × 10⁻¹⁹ जौल। अब जौल को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम 1 जौल किसके कुल होता है, 1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने जौल की जगह इसको हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये आ गया 500 × 1.6 × 10⁻¹⁹ और डिवाइड दीजिए, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा पॉइंट हमारे पास, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब जो प्रोटॉन है वो कहां से मूव कर रहा है, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है। प्रोटॉन कहां से मूव कर रहा है, हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन क्या होगा, माइनस वर्क डन होगा। पोटेंशियल डेल यू किसके इक्वल है, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम जो वर्क डन निकाल के हटे उसकी वैल्यू और किसमें आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। फिर हमने फाइंड आउट करनी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है किसके जो क्यू इंटू डेल वी। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 500 जौल। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हमने जौल की जगह 1.6 × 10⁻¹⁹ से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं पीछे कर चुकी हूँ। आगे हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², ठीक है। अब mv² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी और v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m अंडरवुड। अब इसको इनकी वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 500, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने 1.6 × 10⁻¹⁹, और इसको हमने मास पे डिवाइड किया 1.67 × 10⁻²⁷ इस पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, और इसका अंडररूट लिया तो हमारे पास 30.9 × 10⁴। अब हमने 3.09 × 10⁵ m/s। तो ये हमारे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा प्रॉब्लम 12.9 कंप्लीट हो गया। पांच चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, पांच की पांच हमने फाइंड आउट कर ली है। अगला हमारे पास है 12.10। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमारे पास है यूजिंग द जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ए पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 × 10⁻¹⁹ अल्टरेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
1.5 मीटर अवे व्हेन द चार्ज इज पॉजिटिव और व्हेन द चार्ज इज नेगेटिव। हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, जब चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, चार्ज नेगेटिव होगा। और डिस्टेंस जो है, एक तो उन्होंने हमें दे दिया जो जीरो पॉइंट है वो कहाँ पर है, हमारे पास इन्फिनिटी पर है। तो अब मैं हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट, पहले तो उन्होंने हमें चार्ज दिया है उसकी वैल्यू डाटा बना लिया है, 4.0 × 10⁻¹⁸ कूलम। आर कितना है 1.2 मीटर, के कितना है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज की, और हमने चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब वी हमारे पास 1/4πε₀ × Q/r, क्यों अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दे 9 × 10⁻¹⁹ और 4.0 × 10⁻¹⁸ / 1.2। अब इसको हम 9 में से -8 गया, हमारे पास 10 बच गया, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 और डिवाइडेड बाय 1.2, और ये आंसर हमारे पास 300 वोल्ट हो गया। अगर हमने पावर में लेना है तो 3.0 × 10⁻²² वोल्ट, और इसी तरह हमने ये माइनस में ले लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वही चीज़ है सारा कुछ, इसमें सिर्फ हमने माइनस की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 − 3 × 10⁻²² वोल्ट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12.11 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें कि हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है। उन्होंने दिया हुआ है, इन द बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस उन्होंने हमें दिया हुआ है 5.29 × 10⁻¹⁰ मीटर विद द स्पीड, स्पीड दी हुई इलेक्ट्रॉन की 2.18 × 10⁻¹⁶ मीटर पर सेकेंड, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³⁻³ केजी। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस, हमने एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बोहर मॉडल में हमारे पास स्टेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेट होती है फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर स्टेट। अब हमारे पास जो उन्होंने रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, हमारे पास रेडियस आर इज इक्वल टू, मैंने ये डाटा बना लिया, R इज इक्वल टू 5.29 × 10⁻¹⁹ मीटर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी 2.18 × 10⁻¹⁶ मीटर पर सेकेंड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मास 9.1 × 10⁻³⁰ केजी। हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये बोहर मॉडल में हमारे पास क्या है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होता है, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर स्टेट में जंप करेगा, तो हम उसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास वी क्या है, 1/4πε₀Q/r, इसमें वैल्यू पुट करने 9 × 10⁻¹⁹ चार्ज कितने 1.64 × 10⁻¹⁹ −19, और आर की वैल्यू हमारे पास है 5.29 × 10⁻¹⁹ मीटर। अब इसको हम पावर्स को अलहदा कर लिया, 9 × 1.6 × 10 × 10⁻¹⁹ −19 + 11, तो ये हमारे पास आएगा 14.4 × 10⁻¹⁹ और डिवाइडेड बाय 5.29। अभी क्या हमारे पास, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 144.529, अब इसको हमने इस पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 27.22 वोल्ट। अब अगला हमारे पास है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके लोगों, उन्होंने हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी है 2.18 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमने इसमें पुट कर दिया हाफ एम वी स्क्वायर में, हाफ एम वी स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1.2 × 9.1 × 10⁻³⁻¹ −31 × 2.1
8 × 10⁻²। अब हमने स्केयर को लिया, ये हमारे पास 4.55 × 10⁻³⁻³ और इनका स्केयर को लिया और इसको 2 को 9.1 पे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई पावर की, एक 12 है एक −31 है। अब इसको हमने क्या कर लिया है, हमारे पास एनर्जी जो थी वो किसमें थी, जॉल में। अब इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जोल की जगह हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई 4.55 × 2.18 × 2.18 × 10⁻¹⁹, उन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारे पास 19 आ गया था। उसको हमने 1.6 × 10⁻¹⁹ पे डिवाइड कर दिया, दोनों 19 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यूज रह गई, अब किसमें आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई 4.55 × 10⁻²⁹ × 2.18 × 2.18 और डिवाइडेड बाय 1.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने ये कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमारे पास E इंटू V, E की वैल्यू में पता है, वी की वैल्यू हमारे पास है 27.22 वोल्ट और E की वैल्यू हमें पता है चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। अब वोल्ट इंटू कोलम जो है वो किसके कोल होता है, जौल के। अब जौल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको हमने 1.6 × 10⁻¹⁹ पे डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास दोनों ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू हो गई −27.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी, 13.51 और माइनस ये हमारे पास 27.22, इसको हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास 13.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगला पार्ट है हमारे पास, हमने आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड, तो ये जो वाली एनर्जी है ये हमारे पास कौन सी, ग्राउंड में है, ई इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड, माइनस माइनस होके हमारे पास 13.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। थैंक यू।